नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्यानंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बनाकर हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड करी हुई है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसका अंदर देखेंगे कि आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई भी विंडो यूज करते हो तो उसके अंदर किसी भी फाइल एंड फोल्डर का ना डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। बेसिकली इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डेस्कटॉप पे कहीं भी राइट क्लिक कीजिए। अब जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू में जाइएगा, यहाँ पे आपका शॉर्टकट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ब्राउज में जाइएगा और जिस फाइल एंड फोल्डर को आपको यहाँ पे शॉर्टकट बनाना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको डी के अंदर, मान के चलिए मैं आपको डी एल ओटी क्रिएटर पर करता हूँ। ओके किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ये देखिए आपको बन गया। दूसरा तरीका है कि आपको जिस फाइल एंड फोल्डर को डेस्कटॉप पर डालना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, फिर उस पर राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू डेस्कटॉप, ये देखिए आ गया ना। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर का क्रिएट शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बना सकते हो। इसके अलावा अगर इन फीचर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट पर पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते आप लोग फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारी डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय।